सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 16 जनवरी 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, करियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 16 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। शिक्षा विभाग से खाली पदों की संख्या जारी, रेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड जिलेवार लेवल 2 लेवल 1 पद लिस्ट जारी। टोटल 30,000 पद फिलहाल थर्ड ग्रेड के, नई रीट 2024 बम्पर पदों पर आने की संभावना। नई भर्तियों का सिलसिला शुरू, भाजपा सरकार से खेल नीति में संशोधन की उम्मीद। कांग्रेस सरकार नहीं निकाल पाई फर्जीवाड़े का तोड़, फर्जी सर्टिफिकेट बिगाड़ेंगे खेल। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में निकल चुके 58 फर्जी सर्टिफिकेट, राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। रीट और अन्य भर्तियां, इस साल आने वाली भर्तियों से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उम्मीदें हैं, तो 2% आरक्षण के जरिए खिलाड़ी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन भर्तियों में लगातार बढ़ रहे हैं फर्जी खेल सर्टिफिकेट उनके अनुमानों पर पानी फेर रहे हैं। कारण है कि पिछली भर्तियों में फर्जी खेल सर्टिफिकेट आने से कई उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने हक से वंचित हो गए, वे नौकरी के लिए आज भी चक्कर लगा रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद खिलाड़ियों को खेल नीति में संशोधन की उम्मीद जगी है। क्यों जरूरी है नीति में संशोधन? खेल नीति में खामियां रह गई है, इसी के चलते भर्तियों में फर्जी खेल सर्टिफिकेट आ रहे हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। इसके लिए जल्द ही खेल मंत्री से मुलाकात करूंगा। तो आने वाले दिनों में रीट 2024 नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई अन्य भर्तियां आएगी। राज्य अभिलेखागार के 8 पदों के लिए आवेदन 18 से, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर नई भर्तियां। 249 अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग। सीबीएसई कुछ विषयों की परीक्षा तिथि बदली, राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित की मांग, धरना जारी, एबीवीपी ने भी दिया समर्थन जयपुर। कर्मोन्नत स्कूलों में 18,000 व्याख्याताओं के पद खाली, स्कूलों में नहीं शिक्षक, कैसे दे बच्चे बोर्ड परीक्षा। 18,000 नई स्कूलों में प्लस 21,000 पुरानी स्कूलों में खाली, 6,000 पद भरने के बाद भी 15,000 प्लस 18,000 टोटल फर्स्ट ग्रेड के 33,000 पद खाली, तो नई फर्स्ट ग्रेड 2024 बम्पर पदों पर आने की संभावना। आने वाले दिनों में ये भर्तियां हो सकती है। पशु परिचर के आवेदन प्रक्रिया शुरू, संस्कृत शिक्षा विभाग की पटवारी की 3500 वीडियो, 2200 लाइब्रेरियन, शारीरिक प्रशिक्षक ऐसा के 1400 पद खाली। खुला विश्वविद्यालय 500 सीटों के लिए होगा बीएड में दाखिला, मेरिट के अनुसार किया जाएगा सिलेक्शन। पेपर लीक प्रकरण, एसआईटी ने एक सप्ताह में फरार 16 आरोपियों को पकड़ा, 7 से 8 महीने में नहीं हुई थी कार्रवाई, आरोपियों में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी। जिले में 505 मिडिल व 519 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मनाना है वार्षिक उत्सव, 30 जनवरी तक 1024 स्कूलों को करवाना होगा वार्षिक उत्सव, 5 से 10,000 रुपये का बजट मिलेगा। लड़के पिछड़े 2 वर्ष से कानून की पीजी की पढ़ाई में, बेटियां अव्वल। परमानेंट एजुकेशन नंबर पहले नंबर पर, राजसमंद 96.67%, सांचौर 5%। यूडाइस पोर्टल पर प्रदेश का 87.34% डेटा ही अब तक अपलोड है। अजमेर, इंतजार की इंतहा,
विद्यालय कर्मरत नहीं होने से 8 के बाद पढ़ाई छोड़ना मजबूरी। वर्षों से उठ रही कर्मोन्नति की मगर सरकार ने अब तक नहीं दिया इस ओर ध्यान। परीक्षा संबंधी गाइडलाइन जारी, SIIRT बनाएगी पेपर ब्लूप्रिंट, पंजीकृत कराएंगे पेपर। पांचवी बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी शुरू। माध्यमिक शिक्षा स्कूलों को 10,000 और प्रारंभिक के चयनित स्कूलों को 5,000 रुपए। JEE मेन के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा वाले शहर की सूचना, पर्ची जारी। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 20 को। RS 2021 उत्तर पुस्तिकाएं 20 फरवरी से 31 मई तक होगी अपलोड। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज, VMOU 500 सीटों के लिए होंगे BEd में दाखिले, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के अनुसार होगा चयन। इधर राजस्थान पशु परिचर ऑनलाइन आवेदन कल से। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, लोकसभा चुनाव को देखते हुए 5वीं के एग्जाम जल्दी करवाने की तैयारी। 10वीं के 7 मार्च में होगी 8वीं बोर्ड की परीक्षा, 5वीं के एग्जाम भी हो सकते हैं मार्च में ही शुरू। मुख्यमंत्री संबल योजना 28 जनवरी तक करने होंगे आवेदन। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, बोर्ड परीक्षा में नकल करने पर 5 साल के लिए परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। 2 साल में सामने आए 50 मामले। 12th फेल से बड़ा सबक, कामयाब बनना है तो चीटिंग छोड़ दो, बोर्ड की भी छात्रों को ही सलाह। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 7वें चरण के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर जारी। RBSC वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान 249 अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी। RPSC सेकेंड ग्रेड। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, PTT शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू। आधार कार्ड की तर्ज पर अब मिलेगा परमानेंट एजुकेशन नंबर, नई योजना। भीलवाड़ा सही अंक करे अपलोड, गलत होने पर सुधार असंभव। CBSE ने स्कूलों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट व आंतरिक मूल्यांकन के सही अंक अपलोड करने को जताया। 1 जनवरी से शुरू हो चुके हैं प्रैक्टिकल। JEE मेन के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा वाले शहर की सूचना, पर्ची। NTA ने कहा यह प्रवेश पत्र नहीं, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक अग्रिम सूचना है। स्कूल शिक्षा विभाग की पहल, नई तकनीक और संस्कारों से विद्यार्थियों का संवरेगा भविष्य। नवज्योति न्यूज। 16 विषयों पर तैयार की गई पुस्तिका, 4 जिलों के शिक्षकों की टीम ने तैयार की बोर्ड पैटर्न प्रश्नोत्तर पुस्तिका। शाला दर्पण पोर्टल व ऑफलाइन दर्ज होगी हाजिरी। JEE मेन से 12 दिन पहले NTA ने घटाए परीक्षा के दिन। राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 10वीं बारहवीं परीक्षा का टाइम टेबल, 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल। शिक्षा विभाग बीकानेर, केवल केस दर्ज पर ही चयनित को नियुक्ति क्यों नहीं दी। राजस्थान हाईकोर्ट, PTI भर्ती 2022 मामला।